प्यार में धोखा खाई आशिक मिजाज डॉक्टर की पत्नी आज दर दर की ठोकरें खा रही है। दर्जनों बार शिकायत करने के बाद भी आशिक मिजाज डॉक्टर पर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता सालों से इंसाफ के लिए सभी दफ्तरों की धूल फांक रही है, जिसको लेकर पीड़िता ने भविष्य में अपने साथ हुई किसी भी घटना का जिम्मेदार अपने पति आशिक मिजाज डॉक्टर को ही माना है। पत्नियों डॉक्टर सर्वेश्वर जी, क्या मामला है? सर मामला ये है कि मैं जो हूँ, पहले हम और सर्वेश निराला गाजियाबाद में सिमो ऑफिस में काम करते थे। वहीं से इन्होंने मुझे अपने आप को अनमैरिड बताया और मुझे शादी उदी के लिए प्रेरित किया, जिससे मैं प्रभावित होकर इनसे के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे साथ इनकी अनबन शुरू हुई। उसी दौरान मुझे ये भी पता चला कि पहले से भी शादीशुदा हैं और इनकी एक बच्ची है, जिसके उपरांत मैंने विद्रोह किया कि आप मेरे साथ ने धोखा किया। तो इन्होंने बोला कि मेरा पहली पत्नी के साथ कोई लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और जिसके लिए इन्होंने बाकायदे सीएमओ ऑफिस, अभी एक साल भी नहीं हुए थे, इन्होंने ट्रांसफर यहाँ बिजनौर ले लिया था डॉक्टर सर्वेश निराला ने, और तब से मैं यही रह रही हूँ। जब मैं वहाँ से रिज़ाइन नहीं कर रही थी तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रिज़ाइन भी करवाया कि मुझे आपके साथ रहना, आप यहीं आकर रहो। फिर मैंने गाजियाबाद से सर रिज़ाइन भी किया और यहाँ पर आकर इनके साथ प्रॉपर तरीके से रहने लगी। यहाँ जब मैं रहने लगी तो हम लोगों के बीच में डेली अनबन, ये वो, मतलब बहुत सारे टॉर्चर इन्होंने मेरे को किया, जिसका मैंने विद्रोह किया। जब मैंने विद्रोह किया तो ये मुझे धमकी देने लगे कि मेरी पहली पत्नी से तो मुझे 40 लाख रुपए कैश मिले हैं, उसके बाकी औकात है, आपके बाकी औकात है, उससे आप पैसे दिलवाओ, ये करो वो करो। जब मैं बिल्कुल त्रस्त हो गई इनके धमकियों से, तब जाकर मैंने पिछले साल 1 नवंबर 2019 को बिजनौर में जिला अधिकारी महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय के और सीएमओ ऑफिस में। जी डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है? मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश निराला है और मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमगढ़ी पर तैनात हूँ। ये मामला जो है 2016 का है। 2016 में मैंने गाजियाबाद में एज ए चिकित्सा अधिकारी पद पर मेरी तैनाती हुई थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंदर। ये जो महिला है अर्चना सिंह, ये वहाँ पे कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के पद पे कार्यरत थी। उसके बाद ऑफिस में जब काम करने लगे तो सब लोगों से मेल मिलाप हुआ, इनसे भी हुआ, और इनको मैंने अपनी बेटी का जो बर्थडे है उसमें भी मैंने इनको बुलाया, वहाँ भी आए और कर्मचारी भी आए। उसके बाद इनको हार्ट की समस्या हुई, इनका हार्ट का ऑपरेशन का हुआ कि इनको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, वाल्व चेंज कराना है। उस सिलसिले में ये और इनके पिताजी श्री सरेंद्र कुमार जी मेरे पास आए और मुझसे आर्थिक मदद मांगी कि डॉक्टर साहब कुछ मदद कर दीजिए और ठीक होने के बाद हम पैसे वापस कर। मैंने अपनी माँ और अपने भाई से लेके 5 लाख रुपए इनको मैंने दिया इस शर्त पे कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझे वो पैसे समय से वापस कर देंगे। इसी बीच मेरा तबादला बिजनौर को हो गया, मैं बिजनौर आ गया। ये वहाँ पर काम कर रही थी गाजियाबाद में, मैं बिजनौर था। मैं जब भी फ़ोन करता ये फ़ोन नहीं उठाती। मैं एक दो बार गया, उन्होंने मुझसे मिलना जो है उचित नहीं समझा। फिर मेरी फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन मैंने जब मैं इनसे कहा कि आप मुझे पैसे दे दो तो इनके इनका जो है व्यवहार ही बिल्कुल बदल गया। ये बोलने लगी कि पैसे भूल जाओ और अगर पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगी, तुम पे अनर्गल आरोप लगाऊँगी और तुमको जेल की हवा खिला दूँगी, और तुम जानते नहीं मैं सवर्ण जाति की हूँ, तुम चमार हो, नीच जाति के हो, उसी हिसाब से रहो और अपनी औकात में रहो। फिर इसके बाद मैंने इनके पिताजी को फ़ोन किया, इनके पिताजी से बात की जो कि सोनभद्र में रहते हैं, उनका हालिया पता भी मेरे पास है, सरेंद्र कुमार जी। उनकी भी भाषा सेम यही थी कि तुम जानते नहीं हो मैं ठाकुर हूँ जाति का, आके वही बिजनौर में काट के गाड़ दूंगा, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अब साहब इसके बाद मैं जो है इधर उधर फ़ोन करने लगा। उसके बाद मैंने एक साहिल नाम के व्यक्ति है जिनके साथ ही पिछले 10 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने उनको पूरी बात बताई। उसके बाद ये नवंबर में ये मेरे पास आई, ये इनके पिताजी और इनका भाई। नजीबाबाद मेरी तैनाती थी, नजीबाबाद में मेरे आवास पे घुस के इन्होंने जो है तोड़ फोड़ किया और मेरे साथ मारपीट की। उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है उस समय भी अखबारों ने इसको प्रमुखता से दिखाया था, मैं आपको दिखा दूँ। इसमें लिखा है PSC प्रभारी की पत्नी से महिला ने की अभद्रता, मेरे घर में मेरी बीवी थी, उसके साथ मारपीट की। फोटो में आप जो है चोट के निशान देख सकते हैं। डॉक्टर शिव कुमार बोलता हूँ। सर साहब, क्या मामला हुआ है? ये मामला ये है कि डॉक्टर निराला सर्वेश निराला यहाँ आए मेरे दरवाजे पे और गाली गलौज कर ली अच्छी खासे, मतलब अपशब्द जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकता उस का इस्तेमाल करते हुए मेरा दरवाज़ा तोड़ा और मेरे साथ मारपीट करी, मेरी बीवी के साथ हाथापाई करी और मेरी बहन के साथ जो ये है अर्चना,
अच्छा। मुंह वाली बहन है मेरी, तो उसके साथ भी बहुत बच्चा। आपने क्या किया फिर? क्या करा, हाथापाई हुई है, वो बचाव करा मैंने अपने बच्चों का, अपने परिवार का बचाव किया, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। बाकी मैंने पुलिस को फोन किया, सूचना दी, सूचना दी पुलिस हल्के का, जो हमारे दरोगा हैं पीपल साहब पीछे खड़े हैं। अभी कहाँ है डॉक्टर निराला? कहाँ चले? पता नहीं, वो एकदम से जंगल में गायब हो गए। भाग गए। क्या चाहते हैं? भाई ये चाहता हूँ कि भाई थोड़ा तहजीब में रह ले, तमीज से रह ले, डॉक्टर है डॉक्टर की गरिमा के अनुसार रह ले, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी कहाँ तैनात है डॉक्टर? कासमपुर गढ़ी CSC अफजल गढ़। आपके पास क्या पद है? मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी। ठीक।